अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, दोस्तों जो मेरा न्यूट्रन फैक्ट का सेक्शन है, और दोस्तों जिसमें मैं आपको मुख्य किस्म के वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और खाने पीने वाली जो आइटम्स होते हैं डेली रूटीन में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके न्यूट्रन फैक्ट बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट बताता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैंने एक जो है खाने पीने वाली चीज़ों में से जो है फूड आइटम को सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आपको जो है पिंक सॉल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। उर्दू के अंदर इसे गुलाबी जो है नमक भी बोला जाता है। तो दोस्तों से कई लोग पिंक हिमालयन सॉल्ट भी बुलाते हैं। और दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सोडियम क्लोराइड की तरह ही होता है, यानी आम नमक की तरह ही होता है, लेकिन और दोस्तों इसका जो थोड़ा सा कलर होता है गुलाबी होता है, थोड़ा सा पिंक होता है लाइट सा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चले दोस्तों बगैर टाइम तय किए इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट शुरू करते हैं। और दोस्तों पिंक जो सॉल्ट होता है, यह पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, इसके इस्तेमाल करने से आपको मुख्य किस्म के मिनरल्स मिलते हैं और इसके अंदर तकरीबन 80+ किस्म के जो है अलग अलग जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ से आप हिसाब लगा लेंगे सेहत के लिए कितना अच्छा होगा। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से जो आपके बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और स्किन के ऊपर जितने भी किस्म के ब्लैक स्पॉट होते हैं, कील मुहासे होते हैं, पिंपल होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं इसे रेगुलर यूज़ करने से। और सेहत के लिए बेहतरीन है, जिल्द के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे लोग जो डायबिटिक्स का शिकार हैं, जिनकी इंसुलिन नहीं बनती, जिन्हें ब्लड शुगर है, और दोस्तों अगर आपको डायबिटिक्स टाइप 1 है, 2 है या 3 है, तो हर किस्म की जो है शुगर की बीमारी को ये दूर करते हैं अगर अपनी खुराक के अंदर पिंक हिमालयन सॉल्ट को शामिल कर लें। और दोस्तों ये इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपके जिस्म से रिंकल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। और दोस्तों क्योंकि एनर्जी देता है, तवानाई देता है, और दोस्तों खाने के अमल को तेज़ कर देता है, खाने को हजम करता है। ऐसे लोग जिन्हें भूख नहीं लगती, अपनी खुराक के अंदर जो पिंक हिमालयन सॉल्ट को शामिल करते हैं, तो उन्हें भूख लगना शुरू हो जाएगी, खाना अच्छे से हजम होता है इसके इस्तेमाल से। और दोस्तों अगर आप इसे बहुत मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है, दिल के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल से आपके जो बॉडी के हर जो है ऑर्गन्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो होता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो सांस के मरीज़ हैं, जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े सही काम नहीं कर रहे, दमा है, जिन्हें सांस रुक रुक कर आता है, अगर अपनी खुराक के अंदर वो पिंक हिमालयन सॉल्ट को शामिल कर लें तो उनकी जितनी भी सांस से रिलेटेड बीमारियां दूर हो जाएगी। इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है, जैसे मैंने पहले बताया था काले नमक की वीडियो में और सफेद नमक की वीडियो में, इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है 2 से 3 चुटकी या 1/4 टीस्पून के करीब आप जो है नीम गर्म पानी के अंदर इसे शामिल करें और इसके साथ गरारे करें, तो आपके जितनी भी गले की इन्फेक्शन है, सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएंगी। और दोस्तों जिस्मानी दर्दों को ये ख़त्म करता है, उजलात के दर्दों को ये ख़त्म करता है, मसल्स में कहीं भी पेन हो रही है आपके उसे ख़त्म करता है। और दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्पेशली दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों मुंह की इन्फेक्शन को दूर करता है, और ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती, और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें इंसोमनिया यानी स्लीपलेसनेस ऑर्डर है और पूरी पूरी रात को जागते हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर मुनासिब मकदार में पिंक हिमालयन सॉल्ट को शामिल कर लें अपने खाने के अंदर, सालन के अंदर, तो उन्हें नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी। और इसका मुनासिब इस्तेमाल जो आपकी गुर्दों को सेहतमंद रखता है, आपकी पेशाब की जितनी बीमारी को दूर करता है, मसाने को ताकत देता है, दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। और दोस्तों अगर आपके नाखून दिन ब दिन जो है पीले हो रहे हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर आप पिंक हिमालयन सॉल्ट को शामिल कर लें तो आपकी जो नाखूनों का यानी नेल्स का पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, नेल्स आपके जो मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, जस्ट आप इसके पानी के गरारे करें तो आपके मुंह से जो है नाक और गंदी स्मेल आती है ख़त्म हो जाएगी, वो बैक्टीरियाज़ की वजह से आती है और ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। और दोस्तों अगर आप नहाने के दौरान अपने बाथटब के अंदर जो है 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब जो है पिंक हिमालयन सॉल्ट शामिल कर दें और उसे मिक्स कर लें, उसे नहाएंगे, तो आपके जिस्म के ऊपर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जिसम से स्मेल आती है, वह दूर हो जाएगी। नहाने वाले पानी के टब के अंदर थोड़ा सा डालकर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ऐसा सा आपके जिस्म से जो एक पसीने की और बैक्टीरियल नागवार स्मेल आती है दूर हो जाएगी। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें माइग्रेन रहता है, जिन्हें आधे सर का दर्द रहता है, दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपके आधे सर का दर्द दूर हो जाएगा, ज़हनी तनाव दूर हो जाएगा, ज़हनी उलझन दूर हो जाएगी, डिप्रेशन स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, मूड को अच्छा करता है ये। और दोस्तों अगर मुख्य किस्म की आपको एलर्जीज हैं, सांस की कोई एलर्जी है, नोज़ एलर्जी है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी नोज़ एलर्जी की जो है दूर हो जाती है। और दोस्तों अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, आपके मसूड़ों के अंदर रेशा पड़ गया है, और दोस्तों जस्ट आप इसके साथ कुल्ली करें तो आपकी जितनी भी है मसूड़ों की ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी, मसूड़े आपके ठीक हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। चलें दोस्तों ये तो थे पिंक हिमालयन सॉल्ट के
बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले जो है काला नमक और सफ़ेद नमक के बारे में बताया था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, सेम एज आपने उसी तरह से इस्तेमाल करना है, सालन के अंदर इस्तेमाल कर लें, मुख्य किस्म के फूड आइटम में यूज़ कर लें, पानी में मिक्स करके पी लें, 2 से 3 चुटकी से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना और पूरे दिन के अंदर आपने 1/4 टीस्पून से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको मुख्य किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं और बहुत नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए ये पिंक हिमालयन सॉल्ट अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आप जुनूनी हो सकते हैं, आपका पागलपन जो इंक्रीज़ हो सकता है, इतना ही नुकसानदेह हो जाएगा अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ब्लड प्रेशर जो है आपका हाई कर देगा और दोस्तों गुर्दों को ये ख़राब कर देगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें हार्ट स्ट्रोक हो चुका है यानी दिल का दौरा पहले पड़ चुका है उनके लिए इंतहा नुकसानदेह। इसके इस्तेमाल से आपको दोबारा जो है दौरा पड़ सकता है, इस वजह से दिल के मरीज़ इससे दूर रहें तो बेहतर है और वो पूरे दिन के अंदर 2 से 3 चुटकी से ज़्यादा से इस्तेमाल ना करें। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पिंक सॉल्ट यानी गुलाबी नमक या हिमालयन जो है पिंक सॉल्ट बोला जाता है इसे, इसके जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं आपको और साइड इफ़ेक्ट्स बताए पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मज़ीद कोई सवाल है पिंक सॉल्ट के हवाले से तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, बच्चों के लिए कड़ी के लिए, उससे भी आपने सब्सक्राइब करना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।